नवापारा राजिम से लगे ग्राम तर्री में चार लोगों को गांव के नवीन प्राथमिक शाला भवन में क्वारंटाइन करके रखा गया है, जिसमें एक आईटीआई प्रशिक्षु छात्र के अलावा एक व्यक्ति अपनी पत्नी व बेटी के साथ यहां क्वारंटाइन पर है। प्रमुख रूप से ये चारों लोग मध्य प्रदेश व हरियाणा से आए हुए हैं और मूलतः तर्री के रहने वाले हैं। जनपद पंचायत अभनपुर सीओ के आदेश पर ग्राम सरपंच द्वारा इन्हें इस स्कूल भवन में क्वारंटाइन किया गया है, जहां सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं। सभी को क्वारंटाइन सेंटर में बुधवार से रखा गया है और यह आगामी 27 मई तक यहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल से लौटे एक शख्स ने बताया कि वे अपने बेटे से मिलने के लिए वहाँ गए थे, जो भोपाल में नौकरी करता है, लेकिन वहाँ पर अपने परिवार के साथ लॉकडाउन में फंस गए थे। वहीं आईटीआई प्रशिक्षु छात्र हरियाणा के मनेसर स्थित मारुति सुजुकी प्लांट में एक वर्ष से प्रशिक्षण के लिए गया था। लॉकडाउन की वजह से अपना प्रशिक्षण छोड़कर 5 महीने में ही उसे वापस लौटना पड़ा। ये सभी राजधानी एक्सप्रेस से रायपुर पहुंचे, जहां मेडिकल चेकअप के बाद इन्हें होम क्वारंटाइन के लिए गांव भेज दिया गया। सरपंच पुष्पा हरीश बैरवा ने बताया कि सभी बाहर से आए हैं और उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। पंचायत प्रतिनिधि मितानिन व समूह की महिलाओं के माध्यम से इन सभी पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं डेली मेडिकल चेकअप के लिए गांव के आरएचओ हेमंत नेताम की मदद ली जा रही है। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विशेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। मैं हरियाणा के गुड़गांव जिले में मानेसर, वहाँ मारुति सुजुकी का प्लांट है, वहाँ अप्रेंटिस के ट्रेनिंग के लिए गया था 16 दिसंबर 2019 में। एक साल का मेरा ट्रेनिंग था, उसके बाद लॉकडाउन में फंस गए थे। फिर गवर्नमेंट द्वारा जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई बिलासपुर के लिए, नई दिल्ली से बिलासपुर, उसमें नई दिल्ली से बिलासपुर ट्रेन में यहाँ रायपुर स्टेशन पहुँचा 10 बजे। फिर वहाँ से हमने गाड़ी बुक की। आपकी स्क्रीनिंग हुई थी रायपुर में? हाँ सर, वहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भी हमारी चेकिंग हुई मशीन से, और यहाँ रायपुर के स्टेशन में भी हमारी चेकिंग हुई। फिर यहाँ पर आपको सील दिखा, सील लगाया गया वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका आपको हमको फ्री कर दिया गया, आप जा सकते हो। ऐसे यहाँ पे कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ घर पहुँचे, फिर यहाँ थाने में भी रिपोर्ट की हमने, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना चेकअप किया, वहाँ सैंपल लिया मेरा, और फिर यहाँ सचिव सरपंच से आप मिल के यहाँ उनके हेल्प से यहाँ होम क्वारंटाइन में रखा गया, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ से आए हैं आप चलकर यहाँ पे? भोपाल से। होम क्वारंटाइन में कोई असुविधा तो नहीं हो रही आपको? नहीं, सुविधा है, असुविधा है, लेकिन वही खाने पीने का है सर, सेपरेट होना चाहिए। जी, आप जिस जोन से आए हैं वो कैसा था? ट्रेन में आए जरा सर। और जिस जगह से आप आए हैं, कहाँ से चल कर आए? तो रामविला, श्री रामविला, खजूरी कला, पिपलानी। जी, कहाँ से आए हैं आप? भोपाल। किस काम से गए थे वहाँ पे आप? ऐसे घूमने। आपका कोई वहाँ पे रहता है यहाँ? हाँ। यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। आपके गांव में जो होम पंचायत द्वारा क्वारंटाइन किया गया है बाहर से आए लोगों को, उनके बारे में आपको क्या कहना है? आपका नाम? मेरा नाम ग्राम पंचायत तर्री से सरपंच पुष्पा बैरवा। कितने लोग यहाँ पर होम क्वारंटाइन में है, यहाँ पर रखे हैं? चार लोग। इनके लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की जा रही है? इनके खाने पीने की व्यवस्था समूह में है जो महिलाएं, उन लोग के द्वारा की जा रही है। इनकी निगरानी आप कैसे कराते हैं? इनकी निगरानी हम ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा और महिला समूह मितानिनों के द्वारा की जा रही है। ये जो बाहर से आए हैं यहाँ पर अभी रह रहे हैं, ये कब से आए हुए हैं? इन लोग कल से आए हैं। क्या इनकी कोई मेडिकल चेकअप हुई है? एक लड़के है उसका बस हुआ है, और 3 और है उनका नहीं हुआ है। रायपुर से करा के वही बस है, यहाँ नहीं हुआ है। इनके लिए आप क्या करेंगे जो इनका मेडिकल सैंपल हो, चेक हो उनके लिए? स्वास्थ्य विभाग वो के संपर्क करेंगे, उसके बाद इन लोग का चेकअप कर लेंगे सर। जी।